की मांग ये है कि मुख्यमंत्री सबसे पहले स्वीकार करें कि ओवे गांव की जो 24 एकड़ जमीन एक बिल्डर को कौड़ी के भाव पे थ्रू अवे प्राइस पे दी गई, वे बहुत बड़ा घोटाला है और उस घोटाले में उनकी पूरी सरकार शामिल है, रायगढ़ जिला अधिकारी शामिल है, उनके दफ्तर में बैठे सिडको के XMD श्री गगरानी शामिल है और संभवतः वो खुद भी शामिल है। पहले स्वीकार करें कि घोटाला हुआ। दूसरी बात, इस जमीन का पूरा ट्रांजैक्शन जो व्यवहार है उसको रद्द करें, सिर्फ होल्ड करने का कोई अर्थ नहीं है। और तीसरी बात, इस पूरे प्रकरण की जांच किसी रिटायर्ड जज से नहीं बल्कि मुंबई हाई कोर्ट के 2 सिटिंग जज के मार्फत होनी चाहिए। और आखिरी बात यह है, जब तक जांच पूरी ना हो तब तक रायगढ़ के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार पनवेल और सिडको के XMP उस समय के जो MD थे श्री गगरानी, इन चारों को उनके पद से हटाया जाए, सस्पेंड करके, ताकि जांच साफ सुथरे ढंग से हो सके। रह गई बात प्रकल्प ग्रस्तों को देने की, जमीन देने की बात, बिल्कुल कोयना के जो प्रकल्प ग्रस्त हैं उनको कायदे के हिसाब से जो महाराज शासन की जमीन है उसके तहत दिया जाना चाहिए। आज भी अगर गांव के कुछ लोग रह गए हैं उनको बिल्कुल जमीन मिलनी चाहिए, जो पहले कभी हमने एक पॉलिसी बनाई थी उस हिसाब से। लेकिन जो खारघर या इस इलाके में जो यहाँ के रहवासी हैं वो भी प्रकल्प ग्रस्त हैं, वो भी प्रभावित हैं, उनका अभी तक पुनर्वसन नहीं हुआ है, इसकी चिंता भी रायगढ़ के जिलाधिकारी और सिडको को करनी चाहिए, उनके भी पुनर्वसन का इंतजाम करके देना चाहिए। ये एक धमकी देने का प्रयत्न है भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी की तरफ से, और हम ऐसी धमकियों से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका और भी एक कुछ घोटाले हैं इसी नवी मुंबई में, वो भी लेके आने जा रहा हूं मैं, तो मैं चाहूंगा एक ही साथ और भी एक आध धमकी जोड़ के दे देंगे वो। सर मराठी सर सर सर